देखो एब्रेशंस का मतलब बेटा, एब्रेशंस का मतलब होता है डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस, इमेजेस में क्या क्या खराबी आ गई, ठीक है। तो उन डिफेक्ट्स को हम कहते हैं एब्रेशंस कहते हैं। एब्रेशंस मेनली दो तरह के हैं, एक तो आपका क्रोमेटिक एब्रेशन और दूसरा मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। तो इमेज में जो भी ब्लर्डनेस, फोकस, लाइट, जो भी उसकी दिक्कत होती है, मल्टी इमेजेस बन गई, तो इन सब में अगर लाइट की गलती होती है तो वो कहलाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट आई एब्रेशंस, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ लाइट तो मेनली एक ही तरह का होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का क्या है, अलग अलग है। तो इससे जो गलतियां हो रही है, भी देखते हैं कैसी होती है, तो वो क्या कहलाता है, क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाता है। और मोनोक्रोमेटिक एब्रेशंस का मतलब होता है कि जो गलतियां इंस्ट्रूमेंट्स के कारण होंगी, जैसे कि इसका नाम होता है कि स्फेरिकल एब्रेशन, तो इसका मतलब है ड्यू टू वायलेशन ऑफ पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन। तो बस इतना इतना ही ध्यान कर रहा है कि कैलकुलेशन कुछ नहीं करा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। एक बार कुछ पूछा गया, एक बार आर्काइव में कुछ है ऐसा कुछ, तो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ क्रोमेटिक एब्रेशंस का हम क्या क्या समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें बस इतना ध्यान रखो, स्फेरिकल एब्रेशन का मतलब होता है ड्यू टू वायलेशन ऑफ पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है ना। तो दोनों में होता है, मिरर और लेंस दोनों में होता है, बट मिरर का रिमूव कर देते हैं बेटा, मिरर का ही रिमूव किया जा सकता है। जो स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा है उसकी जगह आजकल क्या यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। तो आपने पैराबोला में पढ़ा पढ़ा भी हो सकता है कि जो रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी रेज पैराबोला के फोकस पर मिलती हैं कि नहीं मिलती, ठीक है ना। पैराबोला मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली एग्जैक्टली फोकस पे मिलेंगी, उसके लिए पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन जरूरी नहीं है पैराबोलिक मिरर में। अगर शेप स्फेरिकल की जगह पैराबोला की है तो आपकी उसमें जरूरी नहीं है कि पैराक्सियल रेज हो, कैसी भी रेज हो, सारी रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस पर ही मिलती है। तो इस मिरर में काफी हद तक ये रिमूव किया गया है, बट लेंस में ये रिमूव नहीं हुआ है। लेंस में और बहुत से तरीके हैं रिमूव करने के, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है, ठीक है ना। लेंस में भी होता है आपकी, अगर एक ही जगह नहीं फोकस होगा आपका, पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन के लिए एक सिंगल पॉइंट पे इमेज बनती है, जहाँ पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन वायलेट होगा एक इमेज थोड़ी नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैं क्रोमेटिक एब्रेशन देख लीजिए आप क्या होता है, पहले पहले क्या मतलब यही देखना है हम, और कोई सा नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। क्रोमेटिक एब्रेशन, तो क्रोमेटिक एब्रेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है कि म्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो मान लीजिए आपने व्हाइट लाइट इस पर गिराई, इस लेंस पर व्हाइट लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है। तो ये सारे सबका पूरी लाइट का फोकस एक जगह थोड़ी नहीं बनेगा बेटा, ठीक है ना। इस तरह की पैरेलल लाइट इंसिडेंट हुई है, तो अब जो आपका इसका जो फोकस है वो एक जगह थोड़ी नहीं बनेगा, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कलर अलग अलग जगह फोकस होंगे, एक्चुअल में बहुत कम डिस्टेंस होती बट स्टिल होती तो है। तो आपका सबसे पहला फोकस कौन होगा बताओ मुझे, सबसे दो तरह की लाइट बता रहा हूँ, सारे कलर इसके बीच में आएंगे, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम ये वाला कौन सा होगा, ये रेड कलर का है वायलेट का, कौन सा करूँ, लेफ्ट वाला रेड का है राइट वाला रेड का है, बताना है, बता सकते हैं क्या आप ये चीज, इसमें से पहले पहले फोकस कौन सा होगा। सही करो बेटा, पहले फोकस कौन सा होगा, देख लो उसके लेमडा ज्यादा है म्यू कम है, एफ का फार्मूला लगा लो ना, यही तो हुआ। अलग अलग फोकस का मतलब ये फार्मूला भी डिपेंड करता है ना बेटा, फोकस का जो फार्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि नहीं करता। और क्रोमेटिक एब्रेशन में वही पढ़ रहा हूँ मैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है। तो फिर ये जो लेंस के पैरेलल आने वाली रेज एक जगह थोड़ी नहीं फोकस करेंगी, ये भी सारे कलर अलग अलग जगह फोकस करेंगे, क्योंकि सबके लिए फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी। वन अपॉन एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी, रेड कलर के लिए। तो फोकल लेंथ क्या होगी, सबसे वन बाई एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसके लिए, रेड कलर के लिए, ठीक है ना। रेड कलर के लिए मैं उल्टा बोल रहा हूँ, लेमडा ज्यादा है तो म्यू कम हो गया, तो वन बाई एफ कम हो गया, समझ रहे। रेड कलर के लिए म्यू कम है, तो ये तो याद है आपको, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो शुरू से याद होता है ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो म्यू कम है, म्यू कम है तो वन बाई एफ कम है, म्यू कम होने की वन बाई एफ कम है तो क्या है, एफ ज्यादा है। तो रेड कलर की सबसे ज्यादा दूर फोकस होने वाला रेड कलर होगा, तो मैं यहाँ पे इसलिए एफ आर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर एफ आर लिख रहा हूँ, सबसे पहले फोकस होने वाला कौन सा होगा, जिसका जो उल्टा होगा इसका कौन सा होता है, वॉयलेट होता है, और क्या। तो एफ आर सबसे ज्यादा दूर जा रहा है और वॉयलेट सबसे क्लोज आ रहा है,
लेकिन अगर मैं कॉनकेव लेंस का लिखूं तो कैसे लिखूंगा? कॉनकेव लेंस का भी लिख सकता हूँ किस तरीके से मैं बताइए? कॉनकेव लेंस का भी लिख पाऊंगा? ये मान लीजिए आपका कॉनकेव लेंस है इस तरह का, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? इसमें भी वही होगा, फोकल लेंथ सबसे कम किसकी है? फार्मूला तो यही होता है इसका भी, तो रेड कलर की तो ज्यादा है, देख रहे हो बेटा, रेड कलर की तो ज्यादा है, तो रेड कलर क्या होगा? ओ रेड कलर सबसे ज्यादा दूर आएगा इसमें, और क्या होगा? पहले कौन सा आ जाएगा? वायलेट कलर आ जाएगा, तो इधर ये एफ आर हो जाएगा और ये FI FV हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से दोनों का एक नेचर एक तरह से अपोजिट है। आप ये देखिए, एक तो रेड को धक्का मार रहा था और दूसरा रेड को इधर धक्का मार रहा है सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा उधर फेंक रहा है, वो सबसे ज्यादा इधर फेंक रहा है, ठीक है? तो इंडिविजुअल लेंस से तो बेटा आप ये रिमूव नहीं कर सकते, सुन लीजिए पहले, क्रोमेटिक एबरेशन हम इंडिविजुअल लेंस से रिमूव नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है, लेंस में होगा ही होगा। बट हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करके जरूर जीरो करते हैं, जैसा कि आपके स्पेक में किया जाता है। आपके स्पेक भी तो ग्लास और ये लेंस ही तो है सब, तो क्या आपको भी अलग अलग कलर की चीजें अलग अलग दिखेंगी क्या? अगर एक ही जगह सेम सा बहुत सारे कलर होंगे तो आपको वहीं दिखेंगे ना सबकी ड्रेस वगैरह? ऐसा तो नहीं कि एक शर्ट देख रहे हो किसी की, आप एक कलर शर्ट का पहले दिख रहा है, दूसरा कहीं दूर दिख रहा है, ऐसा थोड़ी दिखता है। टूटी भी थोड़ी दिखती है आपको चीजें जब आप स्पेक से देखते हो, क्योंकि आपके स्पेक में कभी भी बेटा सिंगल लेंस नहीं होता है, ठीक है ना? वो हमेशा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लगाया जाता है। और अभी देखते हैं कैसे लगाते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, वो सब अभी देख सकते हो। तो आप क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बनाएंगे, जैसे इसके लेंस के कॉम्बिनेशन से आप इसमें ये रिमूव कर सकते हो, जितने आगे भेजने की कोशिश करेगा उतना ये पीछे खींच लेगा, ठीक है? तो वो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विद जीरो क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, विद नेग्लिजिबल क्रोमेटिक एब्रेशन इज कॉल्ड अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। द स्पेक्टिकल सिंगल लेंस विल फोकस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विद नो क्रोमेटिक एब्रेशन, ऐसे लिख देते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या लिख रहा हूं मैं? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज विद नो अक्रोमेट विद नो क्रोमेटिक एब्रेशन, विद नो क्रोमेटिक एब्रेशन इज कॉल्ड अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, इज कॉल्ड अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन विद नो क्रोमेटिक एब्रेशन। इसमें कोई क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो मैं आपको एक कंडीशन का प्रूफ भी बता देता हूँ, सिंपल था इसलिए बता देता हूँ, ठीक है ना? फिर उसको हम अप्लाई करेंगे स्पेक्टिकल स्केल लेंस डिसाइड करने में, वो भी बहुत सिंपल प्रोसेस है, टफ कुछ नहीं है, इसलिए बता भी दे रहा हूँ, ठीक है? आप समझ सकते हैं, कभी आ जाए तुरंत कर भी सकते हैं।